नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार के खिलाफ लगाया लाल झंडा, मिटाने के लिए कहा लाल निशान, कांग्रेसियों का प्रदर्शन। मक्कासर में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने पंचनामा कर परिजनों को शव किया सुपुर्द। गरीबों को जानने में जुटी है नगर परिषद, भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों का आरोप। यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में बेबी हैप्पी पीजी कॉलेज के 9 विद्यार्थी, प्रबंधन ने किया अभिनंदन। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से शहर की राजनीति भटनेर किले पर ही केंद्रित हो चुकी है। भटनेर किले के इर्द गिर्द मकानों पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई से न सिर्फ संबंधित लोग गुस्से में हैं, बल्कि विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि भी आग बबूला हो रहे हैं। बड़ी खबर में आज हम दिखाएंगे कामरेडों का प्रदर्शन। अच्छी बात यह कि आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने सर्वे पर रोक लगवाने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा मक्कासर में नशे का आदि एक युवक डिग्गी में डूबने से जान गंवा बैठा। वहीं भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों के निशाने पर थी नगर परिषद। साथ ही दिखाएंगे डीपीआर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अमर सिंह राठौर के साथ खास मुलाकात। इसके अलावा भी बहुत कुछ, बस बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, लाल निशान और लाल झंडा। भले ही दोनों में रंग लाल है, लेकिन उस लाल का मतलब परस्पर विरोधी है। जी हाँ, लाल निशान तो सरकार लगा रही है, लेकिन उसे मिटाने की मांग कर रही है माकपा, जिसका झंडा लाल है। यानी लाल निशान ने लाल झंडे वालों को भी परेशान कर दिया है। लिहाजा माकपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। भटनेर किले के आसपास कब्जा शुदा जमीन पर लाल निशान लगाने वाली नगर परिषद अब लाल झंडे वालों के निशाने पर है। बुधवार को माकपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद टाउन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नगर परिषद विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शन में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लाल झंडे के नीचे प्रदर्शन करने वाले माकपा नेताओं ने अलग अलग भाषाओं में अपनी बात रखी। कामरेड नसीब खान जहां ठेठ बिहारी अंदाज में नगर परिषद को धमकी देते सुनाई दे रहे थे, वहीं कुछ वक्ताओं का अंदाज ठेठ पंजाबी भी था। वहीं हिंदी में भाषण करने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। जरा आप भी सुनिए अलग अलग भाषाओं के रोचक भाषणों के अंश। आगे कतारों में रहेंगे, यहाँ की आयु में अच्छा होगा सुंदरा रहे, अच्छा होगा दिल्ली का काम करता है। मोदी रहे, कोई रहे चाहे मोदी रहे, अच्छा है आयुक्त तो बच्चे तक जा या तो रहा था यहाँ से टाउन से जक्शन, जक्शन से टाउन, निशाना कहाँ बनाया था हमारे विधायक साहब, विधायक साहब जिसको बनाते वोट 90,000 देते, उनके पास कम से कम 500 फुट आगे और 500 फुट पीछे उनका जाके बाउंड्री तोड़ दिया, उन्होंने तोड़ के रख दिया कि हमने तो बिल्कुल साफ है साहब, हमने तो तोड़ दिया, सारे पब्लिक को तोड़ो, यह साजिश है विधायक साहब। यही पब्लिक ने आपको विधायक बनाया है, यही पब्लिक आपको क्या करेगा आपको बता देगा टाइम। अगर लाल किले के पास अगर कोई आया तो वास्तव में तौर से हम बताते हैं कि यह टाउन गया था। बहुत बड़ी शर्म की गल है कि एक पाकिस्तानी आके किले के आले दुआले या टिप्पी रोड से नहीं बसे, ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान के हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने रहने वास्ते उन्होंने जगह दी जाए, उन्होंने खाने की व्यवस्था की जाए। कि इतों की सरकार का फर्ज नहीं बनता? अगर हिंदुस्तान की सरकार यह चाहती है कि गरीबों उजाड़े उजाड़े, इस प्रशासन को एक ही सोचा है कि कहां से ठेका आए, कहां से पैसा हमारी जेब में आए, उस पैसे के लिए ये भाग रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे। जब ये किला बसा, किले की बस्ती बसी है, ये आजादी से पहले की बसी है, अब इनको ज्यादा यहाँ शहर की सुंदरता करेंगे, पर सुंदरता इन गरीबों को उजाड़ने से नहीं होगी। अगर आपने अपने मनमानी की
और यहाँ के इलाके की जनता, इलाके की बहन बेटियां मैदान में उतरेगी, आपसे मुकाबला करेगी। देख लिया, मजदूर को पीसने का काम, उनके श्रम संगठनों पे कानून को कानून उल्लंघन करने का काम ये मोदी ने किया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा की सरकार बनी, उसने पूरे प्रदेश में श्रम कानूनों पे कुठाराघात करने का काम किया। 40% से कम लोग यूनियन नहीं बना सकते, ऐसा एक फरमान जारी किया हमारे प्रदेश की रानी ने। और हमारे जिले पे नगर परिषद का आयोग, उसके आने के बाद में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब से आया पूरे हनुमानगढ़ शहर को तोड़ रहा है। भाषणों का दौर खत्म हुआ तो माकपा नेता वार्ता के लिए आयुक्त के चैम्बर में गए। उन्होंने चैम्बर में नारेबाजी कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। इसके बाद वार्ता हुई तो नेताओं ने तीखे तेवर भी दिखाए। वार्ता में आयुक्त श्रवण बिश्नोई, माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, नसीब खान आदि शामिल थे। टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई भी दल बल के साथ मौजूद रहे। पहले 10-20 साल से मकान बना, पहले टिब्बी रोड पर जगह कही कि जो बच गए, जो लोग बच गए उसी नहीं आए, उनको नियमन करने का और सड़क बड़ी करने के लिए आपने वो जगह ली थी। वार्ता में आयुक्त इस बात पर राजी हो गए कि अब सर्वे बंद कर दिए जाएंगे। महिलाओं का कहना था कि अगर सर्वे नहीं रोके गए तो वे आंदोलन जारी रखेंगी, लेकिन आयुक्त के आश्वासन के बाद सब ने राहत की सांस ली। वहीं रामेश्वर वर्मा ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी और श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ भी यह प्रदर्शन था। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, असी रस्का चलांदे हैं, असी गरीब लोग बठल उठांदे हैं, असी गरीब लोग रस्का चलांदे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, साढ़े पास और कुछ भी नहीं है, यही मकान की छत है, जो इसके नीचे बैठे हैं, दिन में काम करते आते हैं, रात को खाना खाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम, हम लड़ने को तैयार हैं, जा मरेंगे जा मारेंगे। जो शर्म विरोधी संशोधन विधानसभा ने पारित किए हैं उनके खिलाफ सीटू जो है विरोध कर रही है, क्योंकि इन संशोधनों से पेश होने के बाद और ये कानून बन जाने के बाद मजदूरों, पूंजीपतियों को, कारखानेदारों को और विदेशी पूंजीपतियों को पूरी तरह से छूट मिल जाएगी और मजदूरों का निर्मल शोषण होगा, जंगल राज कायम हो जाएगा। इसलिए सीटू चाहती है कि इन संशोधनों को उसी वक्त जो है वापस लिए जाएँ, ताकि मजदूरों के ऊपर जो है ये जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जा सके। राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 23 रुपये मजदूरी की बढ़ोतरी का जो न्यूनतम मजदूरी में प्रस्ताव पारित किया था उसको रोक दिया है, उसको द्वारा जो है वो बढ़ोतरी की जाए। और इसके साथ साथ जो निजीकरण का फैसला लिया है रोडवेज में उसको तुरंत वापस लिया जाए और पूरे राजस्थान के अंदर जो श्रमिक विरोधी निर्णय लिए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और उसमें आज हज़ारों मजदूरों ने आके अपनी मांग की। दूसरा, हनुमानगढ़ शहर के अंदर किले के आसपास रहने वाले हज़ारों परिवारों को राज्य सरकार जो है सौंदर्यकरण के नाम पे उजाड़ रही है। हमारी मांग है कि ये लोग 1910 से यहाँ पे रह रहे हैं लगातार, उनके पास पट्टे हैं, उनके पैसे भरवाए हुए हैं, और आज अगर उनको 100 मीटर की पीढ़ी में उनको उठाया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा,
उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इस बात की मांग को लेकर यहाँ आए थे कि उनको नहीं जोड़ा जाए। तो यहाँ शर्मा आयुक्त ने कहा है कि हम जो सर्वे करवा रहे हैं उस सर्वे को बंद कर देंगे, किसी को वहाँ से हटाएंगे नहीं और कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, इस बात को लेकर थी। उसके बाद भी अगर इन सवालों पर बात नहीं होती, क्योंकि पूर्व में भी इसी तरह के फैसले हुए हैं, टीबी रोड पर तमाम लोगों को उजाड़ दिया, उनको कहा दूसरी जगह देंगे, उनको कोई दूसरी जगह नहीं दी, बचे मकानों के पट्टे नहीं दिए और जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, रोज़ाना वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए हम यही कहने के लिए आए हैं कि जहाँ आपने पहले जो निर्माण ध्वस्त किए हैं उनको पूरी तरह से आप जो है ठीक करो, उन सड़कों को ठीक करो, जो बचे हैं उनको पट्टे दो और शहर के अंदर सौंदर्यकरण के नाम। नशे ने एक व्यक्ति की जिंदगी तबाह कर दी। आखिरकार उस युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि डिग्गी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मामला गांव मक्कासर का है। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मक्कासर में बुधवार की सुबह यह खबर आग की तरह फैल गई कि डिग्गी में एक युवक की लाश तैर रही है। खबर खतरनाक थी, इसलिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने देखा कि लाश तैर रही है। गौर से देखा तो पता चला कि लाश किसी और की नहीं बल्कि गांव के ही करतार सिंह की है, जो नशे का आदि रहा। किसान नेता बलराम मक्कासर ने पुलिस को सूचना दी। जंक्शन थाना के एएसआई मंगत सिंह के मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई कर लाश परिजनों को सौंप दी जाएगी। जल्दी टेलीफोन इतला मिली कि मक्कासर गांव में पानी की डिग्गी के अंदर एक आदमी गिर के मर गया है। तो मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ गाँव का एक नाजिम सिंह है, उसने इस को पानी की डिग्गी में तैरते हुए को बाहर निकाला और बाहर निकाल के इसको देखा तो ये गांव का ही करतारा सिंह सुनो विरागी राम जाति बाजी का, उम्र 30-35 साल का है, जो गांव के लोग इसको नशेड़ी बता रहे हैं और इसके पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। बस अब आगे कार्रवाई कर रहे हैं, इसके वारिसन को बुला कर जैसे इसके वारिसन चाहेंगे वैसी कार्रवाई कर देंगे। नगर परिषद सिर्फ उजाड़ने पर तुली है, बसाने की तरफ उसका ध्यान नहीं। नगर परिषद इन दिनों कुछ इस तरह के आरोपों को झेल रही है। ताजा आरोप लगाया है भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने। युवा नेता नारायण राम नायक के नेतृत्व में नागरिकों ने कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ नगर परिषद पर इन दिनों सबसे बड़ा आरोप है कि वह शहर के लोगों को उजाड़ने में जुटी है, जबकि मुख्य काम शहर और लोगों को बसाना है। भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। युवा नेता नारायण राम नायक के मुताबिक जिन लोगों के पास भूमि के पट्टे नहीं हैं उन्हें नोटिस थमाए जा रहे हैं, जबकि उन लोगों ने पट्टे के लिए नगर परिषद में आवेदन भी किया था, लेकिन नगर परिषद ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी रेलवे में विवाद चल रहा है इसलिए पट्टे नहीं बना सकते। दरअसल यह बस्ती महाराज गंगा सिंह के समय की है। प्रशासन इस बस्ती में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं, ऐसे में लोगों को उजाड़ने का कोई मतलब नहीं। वार्ड नंबर 11 और 9 के सभी मोहल्लावासियों ने श्री भट्टा कॉलोनी संघर्ष समिति कच्ची बस्ती की जो मकान तोड़े जा रहे थे और जो 60 फुट की 90 फुट की 100 फुट की ऐसे अफवाहें फैलाई थी और उन सभी तमाम बातों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि गरीब बस्ती को उजाड़ा ना जाए और उनकी जायज मांगों को और सर्वे करवा कर उनके प्लाट के पट्टे बनवाए जाए। तो कलेक्टर महोदय ने ये निवेदन किया, सभी से बात हुई, कलेक्टर वार्ता में ये कलेक्टर साहब ने आदेश दिए कि आपके 2004 और 1998 की सर्वे के अंदर जो लिस्ट में नाम है उन सभी को प्रायोरिटी देते हुए उन सब के पट्टे जारी होंगे और किसी के मकान में टूटे नहीं दूंगा। जो भट्टा कॉलोनी है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो अनंत सिनेमा इसकी बैक साइड में जो आबादी है उनके नगर पालिका ने निशान लगा दिए लाल, कह रहे हैं हम तोड़ेंगे। अभी तक कोई नोटिस तो इन्होंने जारी नहीं किया है, हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर,
फर्स्ट ईयर आई स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज. द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस टू ईयर्स. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं. महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है. सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छे क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि, किरियाना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा. इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है. यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है. रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर. संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक मेजर सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन. हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध है. डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे. यहां पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे. डीजे वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LED उपलब्ध है. संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने. जब संस्था को कोई बेहतरीन उपलब्धि हासिल होती है तो हर किसी को दिल से खुशी होती है. बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज प्रबंधन भी उस खुशी को बखूबी महसूस कर रहा है. दरअसल बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के 9 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया है. प्रबंधन की ओर से उन्हें बुधवार को सम्मानित किया गया. जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक बार फिर सफलता का इतिहास रच दिया. महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्नातक के विभिन्न संकायों की परीक्षा में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के 9 विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर टॉप रहे हैं. महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारी के मुताबिक BA प्रथम वर्ष की चरणजीत कौर ने विश्वविद्यालय सत्र में 8वां स्थान, राहुल ने 11वां स्थान, सिमरन ने 12वां स्थान प्राप्त किया व BA द्वितीय वर्ष की छात्रा अनिता कुमारी ने चतुर्थ स्थान, कनिका अरोड़ा ने 8वां व वैशाली कौशिक ने 13वां स्थान प्राप्त किया है. इसी तरह BSc के प्रथम वर्ष में रमनदीप कौर ने 14वां, पूनम ने 17वां, साहिना ने 20वां स्थान हासिल किया है. उल्लेखनीय है कि महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में करीब 2,00,000 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया था. इनमें से बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज के विद्यार्थियों ने वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया. विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों का कॉलेज प्रांगण में बुधवार को अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और स्टाफ व शिक्षण समिति के सदस्यों ने बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया. महाविद्यालय के डायरेक्टर तरुण विजय के मुताबिक मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता का शीर्ष स्थान हासिल होता है. उन्होंने कहा कि कॉलेज का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है तथा समाज के नवनिर्माण में योगदान देना है. संस्था के चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्नातक और स्नातकोत्तर में विश्वविद्यालय स्तर पर जो मुकाम हासिल किया है उससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. कॉलेज प्रशासक परमानंद सैनी ने कहा कि सफलता का यह क्रम जारी रहे इसके लिए कॉलेज प्रबंधन और अधिक प्रयास करेगा. इस मौके पर महाविद्यालय के उपप्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा, BEd कॉलेज के प्राचार्य संतोष चौधरी, राजकुमार अरोरा, बलदेव पुरोहित तथा राजकुमार महला आदि मौजूद थे.
नाम कनिका रोड़ा है, मैं बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 8वां रैंक प्राप्त किया। इसका सारा श्रेय मैं मैनेजमेंट टीचर्स अभिभावकों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पढ़ाने में सहयोग किया और मेरी हर तरह से सहायता प्रदान किया। मेरा नाम पूनम रानी है, मैं बेबी हैप्पी कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 35वां स्थान प्राप्त किया है बीएससी फर्स्ट ईयर में, और मैं भविष्य में एमएससी में अपना कैरियर बनाना चाहती। मेरा यूनिवर्सिटी में 4वां रैंक प्राप्त है। मैं सरकारी मेहनत करके मैं सरकारी टीचर बनना चाहती हूँ। 29वें रैंक पर आई हूँ और मैं अपना सारा श्रेय मेरे पेरेंट्स को और मेरे जितने भी टीचर्स हैं बेबी हैप्पी कॉलेज मैनेजमेंट देना चाहती हूँ। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित वरीयता सूची में हमारे महाविद्यालय के 9 विद्यार्थियों ने बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की वरीयता सूची में 9 छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व भी स्नातक में भी और स्नातकोत्तर का जो परीक्षा परिणाम आया है उस महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा वरीयता सूची में हमारे अनेक छात्र छात्राएं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके हमारे महाविद्यालय का और हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कार इंटरनेशनल महिला महाविद्यालय में बुधवार को फ्रेशर पार्टी हुई। इसमें प्रियंका बंसल को मिस फ्रेशर चुना गया। इस मौके पर युवतियों ने कैटवॉक भी किया। एडमिशन सिस्टम के बीच कॉलेजों में खास कार्यक्रमों की धूम है। संस्कार इंटरनेशनल महिला महाविद्यालय में बुधवार को फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई। सचिव ज्योतराम जुनोजल, प्रशासक योगेश शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर मणिलता बिश्नोई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। छात्राओं ने मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कैटवॉक कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का भी परिचय दिया। प्रियंका बंसल को मिस फ्रेशर की उपाधि दी गई, वहीं रितिका को मिस इवनिंग की उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर नताशा अग्रवाल और प्रोफेसर सुमन सुथार थी। प्रोफेसर रघुवीर कौर, संदीप गर्ग आदि ने भी व्यवस्थाएं संभाली। संस्कार इंटरनेशनल महिला महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वेलकम पार्टी रखी गई है, जिसमें कि कैटवॉक करवाया गया है, कुछ गेम्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आज हमारे कॉलेज में जो हमारे फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए वेलकम पार्टी आयोजित की गई है। इस पार्टी में हमने डांस कॉम्पिटिशन रखा है, बच्चों से रैंप वॉक करवाया है। इससे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा पाते हैं ताकि वो इस कॉलेज से हमारे पूरे स्टाफ से अच्छी तरीके से घुल मिल जाएं। और इसके अलावा उनके लिए गेम्स भी बहुत सी गेम्स का भी आयोजन किया गया है। पूरे बच्चे सभी बच्चे अंदर काफी एंजॉय कर रहे हैं। और भी वक्त है हेडलाइंस का। चाहिए सत्ता और शक्ति। जी हाँ, यह मानना है पत्रकारों के साथ 3 दशक से अधिक समय गुजारने वाले डीपीआर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अमर सिंह राठौड़ का। हनुमानगढ़ आए डॉक्टर राठौड़ ने स्काई चैनल के साथ खास मुलाकात में पत्रकारिता से जुड़े कुछ मसलों पर खुलकर चर्चा की। आइए सुनते हैं डॉक्टर अमर सिंह राठौड़ को। पत्रकारिता का देखा जाए तो बड़ा बहुत उच्च कोटि का इतिहास रहा है, परंपरा भी बहुत उच्च कोटि की रही है, लेकिन धीरे धीरे जो व्यावसायिकता हावी हो गई उसके कारण पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। हालांकि ये मैं नहीं कह सकता, हालांकि पत्रकारिता और समाचार पत्र बढ़ रहे हैं, मीडिया भी नए नए रोज चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन जो एक स्तर की बात हम किया करते थे
को इस दौर में कमजोरी आई है, कथ्य में भी आई है, तथ्य में भी आई है, भाषा में भी आई है, और धीरे धीरे व्यावसायिक होने के कारण, और सबसे बड़ा मूल कारण इसका ये रहा कि संपादक नाम की जो संस्था है वो नष्ट हो गई। आज के दौर में संपादक का कोई महत्व नहीं रहा, जबकि एक संपादकों का दौर था और उसमें वही सत्ता था जो संपादक चाहता था, उसकी लेखनी पर किसी का नियंत्रण नहीं था। लेकिन आज संपादक नहीं रहे, खास ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर हो गए, और मैनेजर भी क्या है, मीडिया मैनेजर हो गए। रहे कुछ बड़े पत्रकार हैं, वो मीडिया के मैनेजर हो गए, कोई मालिक हो गए, और ख़ास तौर से हम ये कह सकते हैं आज जो समाचारों का दौर है उसमें समाचार नहीं रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि वो तो मालिक हो गए कुछ बड़े पत्रकार तो, और कुछ बड़े पत्रकारों को सत्ता चाहिए, यानी सेठों के अधीन आने के कारण क्या हुआ कि सेठ को विज्ञापन चाहिए, उसको पत्रकारिता लेना देना नहीं, और जो बड़े पत्रकार हैं उनको सत्ता चाहिए। सत्ता का मतलब अपना महत्व बनाए रखे है राजनेताओं में, अफसरों में, ये इसके अलावा पत्रकारिता के बारे में चिंतन काफ़ी कम हो गया है, जिसको अब ठीक करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आमतौर पर कहा जाता है कि जो लघु समाचार पत्र हैं या अति लघु समाचार या मध्यम समाचार पत्र जिसको हम कहते हैं, उसका अस्तित्व संकट में है। बहुत संकट में है, आप सही कह रहे हैं कि छोटे और लघु और अति लघु या जो छोटे स्थान से छपते हैं उनका अस्तित्व संकट में है। उसका दो कारण से संकट में है, एक तो उनका कोई महत्व नहीं समझ पा रहे, कोई समझा भी नहीं, पहले बहुत पहले महत्व हुआ करता था, धीरे धीरे उनको समझना कम हो गया। दूसरा का जो बड़े समाचार पत्र थे वो खुद लघु बन गए, तो इसलिए जो पहले से लघु है उनको दो लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि उनके संसाधन, उनके पास बहुत से तौर तरीके भी हैं, तो जितने भी बड़े समाचार पत्र उन्होंने अपने को टुकड़ों में बांट लिया और वो वहीं पहुंच गए जहाँ छोटे समाचार पत्र रहते थे। लेकिन चूँकि उनका नाम बढ़ा रहा है, वो कोई अपने क्लेवर से, अपने विषय वस्तु से या अपने समाचारों से या अपने चिंतन से बड़े नहीं हैं, वो उनके बराबर ही हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम बढ़ा रहा है इसलिए जो संसाधन छोटे अखबारों में मिलने चाहिए वो उनकी जेब में चला जाता है, इसलिए संकट की बात है। इसको दूर करने की ज़रूरत है, एक तो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि बड़े कोई नहीं है, समाचार पत्र समाचार पत्र है, ये बड़े और छोटे का भेदभाव ही गलत है पहली बात तो, क्योंकि उदाहरण है अगर उसको नेगेटिव रूप से देखें तो समाचार अखबार की बात छोड़िए, एक सांप होता है उसमें छोटा और बड़ा क्या होता है, अगर उसको नकारात्मक गुण के रूप में देखें तो अखबार तो वैसे ही हैं जैसे बड़े हैं जैसे छोटे हैं, लेकिन भेदभाव करने के कारण छोटों में ज़्यादा संकट इसलिए आ गया कि वो अपना स्थान बनाए नहीं रख सके, उनको उन्होंने खदेड़ दिया, बड़े समाचार पत्रों लघु रूप धारण करके उनको खदेड़ दिया, इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। सरकारों से भी निवेदन करना पड़ेगा कि इन सब जो अखबार का जो बंदरबांट है, मानिए विज्ञापन जो दिए जाते हैं, जो राज्य सरकार या भारत सरकार जो संसाधन है उनमें इनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, कि काम तो ये वही कर रहे हैं जो बड़े समाचार पत्र कर रहे हैं वो छोटे कर रहे हैं, इसलिए इनकी भी उसमें हिस्सेदारी निर्धारित होनी चाहिए। बल्कि जो जितना बजट उन पर खर्च किया जाता है वो कुछ सीमित मात्रा में, वो 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, लेकिन ये तो हज़ारों की संख्या में, तो उतना भी बजट अगर हज़ारों में बांट दिया जाए तो मैं समझता हूँ उनका संकट से उबार हो सकता है, और धीरे धीरे ये लोग भी अपना कर सकते हैं, अपने संसाधन विकसित कर सकते हैं, कोई तौर तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों बड़े समाचार पत्रों तो किसी ने मेला लगाना शुरू कर दिया, कोई जूतों की दुकान लगा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हैं, ये कोई या पुस्तक मेला लगा रहे हैं, तो ये समाचार पत्रों का काम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आय के संसाधन बढ़ा लिए, तो हो सकता है ये छोटे अखबारों को भी थोड़ा साधन मिल जाए तो ये भी अपने स्तर पर छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम करके भी अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं। ये अखबार शुरू करने के लिए बताया जाता है आमतौर पर कि संपादक के लिए कोई योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। हाँ, वो तो योग्यता का तो नहीं है, लेकिन समझ तो होनी चाहिए, और इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, शायद अब नई जो नीति बन रही है उसमें है, उसमें जो आप विज्ञापनों के लिए अप्रूवल लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है, कॉलम भी है, संपादक का नाम और उसकी शैक्षणिक योग्यता, तो अब चूँकि एक्रेडिटेशन का बात है रिसीव करण, उसमें तो ग्रेजुएट कर ही दिया है,
तो नेचुरली अगर ग्रेजुएट होगा तभी उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो ये सोच करके भी कि कम से कम ग्रेजुएट आदमी होना ही चाहिए जो संपादक बने, अभी तक कोई पैमाना नहीं रहा था और ये माना जाता था कि ये कोई शिक्षा का काम नहीं है, ये स्वाध्याय का काम है या शिक्षण का या अपनी योग्यता को बढ़ाने का है। और पहले जितने पुराने संपादक रहे उन शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, लेकिन वैसे तो उनमें योग्यता थी, लेकिन आज की अगर स्थिति में देखें डिग्री के साथ ही अगर वो योग्यता नहीं तो बिना डिग्री वाले तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए शैक्षणिक योग्यता भी होना आवश्यक है ताकि वो समझ तो सके क्या लिखे क्या नहीं लिखे, चयन तो कर सके, सामग्री के चयन का अधिकार तो संपादक के पास ही है, तो अगर उसको थोड़ा ज्ञान होगा तभी चयन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। अब जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और अब सोशल मीडिया का दौर चल पड़ा है, इसका क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, सोशल मीडिया का तो भविष्य बहुत है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धीरे धीरे, पहले चूँकि उतावली के साथ भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो प्री मेच्योर्ड बर्थ है, हालांकि जो सबसे पहले दूरदर्शन आया था उसकी कोई तैयारी नहीं थी, तो ज़्यादातर क्या हुआ कि जो अपने प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार लोग थे वो इसमें घुस गए, लेकिन ये बिल्कुल भिन्न विधा है, ये भिन्न विधा है। इसमें तो आपको ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या चाहिए, जबान, जुबान और लुक, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, मेधा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया में जो सबसे ज़्यादा बुद्धि काम करती है, वहाँ आपको कोई जुबान की ज़रूरत नहीं है, वो तो मौन होता है एक तरह से, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें आवश्यकता है, इसमें भी सुधार किए जाए और जो समाचारों का सामग्री का जो प्रस्तुतिकरण है वो अनावश्यक है, क्योंकि 24 घंटे के चैनल है तो दिखाया जाना चाहिए, फिर खेमेबंदी अलग है, किसी चैनल में कोई पैनल है, किसी चैनल में कोई पैनल है, जिसको सूट करता है उसी हिसाब से आ रहे हैं, तो इसमें भी निष्पक्षता की आवश्यकता है। और आखिर में अध्यात्म से जुड़ी खबर, अमरनाथ सेवा समिति की टीम ने जागरण में देवाधिदेव को रिझाया, शानदार भजनों के माध्यम से देर रात तक श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर करते रहे गायक, कुल मिलाकर अच्छी पहल थी अमरनाथ सेवा समिति की। वार्ड नंबर 35 में रात्रि जागरण ने समाप्त बांध दिया, आयोजक थे अमरनाथ सेवा समिति से जुड़े कार्यकर्ता, खासकर वो कार्यकर्ता जो हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाकर भोजन आदि की व्यवस्थाएं संभालते हैं। समिति अध्यक्ष सूरजभान मित्तल और इंद्रजीत चराया आदि मौजूद थे। गायकों ने भोलेनाथ की महिमा का बखूबी बखान किया। के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।